स्टूडेंट्स वेलकम इन क्लास टू डे आवर टॉपिक इज ड्रग नाम क्लेचर ड्रग नॉम क्लेचर में अमूमन नेम्स दिए जाते हैं ड्रग्स को यहाँ पर तीन तरह के नाम दिखाए गए हैं एवरी ड्रग्स हेज फ्रोइंग थ्री नेम्स केमिकल नेम जेनेरिक नेम ट्रेड नेम केमिकल नेम क्योंकि केमिकल नेम नाम से ही जाहिर है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया जाता है ये नाम केमिकल नेम दिस नेम इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग एंड इंडिकेट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड ये देखिए एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है इसी स्ट्रक्चर की बेस पे एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड का नाम दिया गया है क्योंकि उसमें एसिटाइल ग्रुप अटैच है उस बेस पर इसके अंदर जो एटमों की और मॉलिक्यूल्स की तरतीब है उसी को देखते हुए एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड का नाम दिया गया तो इट्स मीन केमिकल नेम क्या है दिस नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एंड इंडिकेट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं जेनेरिक नेम जेनेरिक नेम इस मेडिसन हैज इस प्रूफ जेनेरिक नेम दिस आर द नेम ऑफ मेडिसन डेट आर गिवन ऑन अ साइंटिफिक बेसिस ये साइंटिफिक बेसिस दिए जाते हैं और इसे ऑफिशियल नेम भी कहा जाता है दिस नेम नॉट चेंज एंड इज यूज बाई कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नाम तब्दील नहीं किया जा सकता और पूरे दुनिया के अंदर के तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर एक ही तरह का नाम राइज है लाइक अगर पैरासिटामोल पाकिस्तान में पैरासिटामोल कहलाता है केमिकल जो कि के एनालजेसिक है और बुखार में, में इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में उसे पैरासीटामोल के नाम से ही बुलाया जाता है आप जहाँ पे भी जाएंगे आप पैरासीटामोल मांगेंगे तो आपको एक ही तरह का सब्सटेंस और एक ही तरह का फार्माकोलॉजिकली एक्टिव केमिकल मिलेगा अ ग्रुप ऑफ मेडिसन डेट वर्क इन अ सिमिलर वे ऑफ्टन हैव सिमिलर साउंड जेनेरिक नेम वो ग्रुप किसी भी मेडिसन का जो कि एक जैसा इफ़ेक्ट शो कर रहा होता है एक जैसा काम कर रहा होता है अमूमन उनको एक ही तरह के जेनेरिक नाम की साउंड्स दी जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासिटामोल एस्प्रीन लिवोफ्लॉक्सासिन सेप्रोफ्लॉक्सासिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जेनेरिक नेम है और हर जगह पे ये इसी नाम से बुलाई जाती हैं इसके बाद हम ब्रांड नेम या ट्रेड नेम की तरफ आ जाते हैं ब्रांड नेम या ट्रेड नेम जिसे हम उर्दू में तजारती नाम भी कहते हैं और साथ में प्रोप्राइटरी नेम भी बोला जाता है दिस आर द नेम ऑफ मेडिसिन डेर आर गिवन ऑन अ प्रोप्राइटरीशिप बेस क्योंकि प्रोप्राइटरीशिप बेस पे है जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही होती है उसका एक ख़ास नाम खुद रख कर और उसे रजिस्टर करवा लेती है और फिर वो रजिस्टर शुदा नाम उस कंपनी या उस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी बन जाता है फिर वो कोई दूसरी कंपनी उस नाम के प्रोडक्ट बना नहीं सकती सेल नहीं कर सकती वो फिर फिरदा से कोई अपने प्रोडक्ट का नाम रखेगी और उसे रजिस्टर करवाएगी और फिर सेल करेगी इट्स मीन ये ख़ास नाम जो है रजिस्टर शु द नाम एक ख़ास कंपनी की मलकियत बन जाता है इसलिए इसे प्रोप्राइटरी नेम कहा गया है और कहा जाता है ब्रांड नेम प्रोप्राइट्री शिप पर बेस्ड करता है द फार्मास्यूटिकल कंपनी विच सेल द जेनेरिक ड्रग सिलेक्ट द ट्रेड नेम जो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है अगर वो कोई जेनेरिक ड्रग ले रही है और उसका अपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उसे एक खास ट्रेड नेम सिलेक्ट करना होगा लाइक पैरासिटामोल है अगर पैरासिटामोल की कोई प्रोडक्ट बन रही है तो कंपनी को पहले उसका एक नाम सेलेक्ट करना होगा लाइक पैनाडोल पैनाडोल ब्रांड नेम है फिर उसके बाद उसे रजिस्टर करवाना होगा और फिर ही वो मार्केट में सेल कर सकती है जब वो रजिस्टर हो जाता है तो वो उस कंपनी का नाम उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है अब पेनाडोल अगर किसी कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कोई और कंपनी उसको अपने नाम से सेल अब पेनाडोल के नाम से सेल नहीं कर सकती ये सिर्फ एक ख़ास कंपनी की मलकियत है द ट्रेड नेम देन बिकम द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉरइंग एग्जाम्पल गिवन द केमिकल जेनेरिक एंड ट्रेड नेम फॉर वन ड्रग यहाँ पे देखिए एक ड्रग का जेनेरिक एंड केमिकल और ट्रेड नेम बताया गया है लाइक like, एन एसिटाइल पी फिनोल बताया गया है केमिकल नेम इसका जेनेरिक नेम है पैरासिटामोल ट्रेड नेम है पैनाडोल बहुत कॉमन है हम जो पैनाडोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें का जेनेरिक नेम पैरासिटामोल है जबकि के केमिकल नेम एसिटाइल पी फिनोल बोला जाता है ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पैनाडोल को जिसका जेनेरिक नेम पैरासिटामोल है अमूमन पैकिंग के ऊपर सबसे बड़ा करके ब्रांड नेम लिखा जाता है ये देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांड नेम है इसके नीचे ये जेनेरिक नेम लिखा गया है ब्रांड नेम हमेशा बड़ा करके लिखा जाता है बोल्ड करके लिखा जाता है जबकि जेनेरिक नेम उसके नीचे छोटा करके लिखा जाता है अब देखिए ब्रांड नेम चेंज होता रहता है यहाँ पर पे पेनाडोल लिखा हुआ है यहाँ पर पे डोली पेरिन लिखा हुआ है लेकिन जेनेरिक चेंज नहीं होता पैरासिटामोल है तो दूसरी उस पर पे भी पैरासिटामोल ही लिखा होगा क्योंकि जेनेरिक नेम ऑफिशियल नेम है लेकिन ब्रांड नेम अपने हिसाब से कंपनी रखती है लाइक जे का पेनाडोल है दूसरी कंपनी ने डोलीपेरिन लिखकर कर पैरासीटामोल को अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया है